अरे यार ये क्या हुआ है, सेन चैन किंग चैनल शो इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं बाहर, मुझे जाकर देखना होगा। अरे एक मिनट रुक जाओ, अरे तुम लोगों से वेट नहीं होता, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अरे इसलिए ये सेन चैन किंग चैनल शोर मचा रहे थे। अरे सामने की तरफ तो रेड हल्क खड़ा है, पर इसे हो क्या गया है, मुझे लगता पक्का कुछ गड़बड़ है। अबे रेड हल्क क्या हो गया, तू यहाँ क्या करने आया है। शायद फ्रैंकलिन तुझे पता नहीं है कि सेन चैन और किंग चैन ने क्या किया है, ये दोनों तो बचेंगे नहीं। जिस स्कूल में ये दोनों पढ़ते हैं वहाँ पर मेरा बेटा भी पढ़ता है, और इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा भी और प्रिंसिपल से भी मार पिटवाई। मेरा बेटा कल रात से रो रहा है और मैं उसे चुप नहीं करा पाया अभी तक। अब मैं सेन चैन और किंग चैन को छोड़ूंगा नहीं, जब तक इन दोनों को भी मैं ऐसे ही रुलाऊंगा नहीं उसके पास जाकर, तो मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। सेन चैन किंग चैन को तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, अब इन दोनों को मुझे लेकर जाना होगा। कोई भी नहीं बचा पाएगा इन दोनों को, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि सेन चैन और किंग चैन को बचा पाए। अरे फ्रैंकलिन भैया बचा लो प्लीज, अरे बचा लो वरना ये हमें चढ़ेगा नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया प्लीज बचा लो हमें। अरे गाइस ये क्या हुआ, रेड हल्क तो काफी स्पीड से यहाँ से भाग कर निकला है और वो अपने साथ सेन चैन और किंग चैन को भी लेकर जा चुका है। अरे चोप अब मैं क्या करूँगा, अरे मैं मुकाबला नहीं कर सकता। उस रेड हल्क का मुकाबला करने के लिए मुझे हल्क जैसी पावर चाहिए, और ये तो लगता है ना मुझे हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है ये। फ्रैंकलिन भैया सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो आपके हाथ में वॉच लगी हुई है ये कहाँ से आई, ये तो सेन चैन की है ना बेन 10 वाली वॉच। देखा आपकी तो चोरी यहीं पर पकड़ी, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, सेन चैन की वॉच आपने ही चुराई थी। अब ज्यादा सोचा मत, आप इस वॉच से ना कोई भी सुपर हीरो में कन्वर्ट हो सकते हो। इस तरह करो, इस वॉच के जरिए ना हल्क में कन्वर्ट हो जाओ और फिर सेन चैन और किंग चैन को बचा के लाओ, वरना वो रेड हल्क छोड़ेगा नहीं उन दोनों को। अरे तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है चोप, लेकिन ये वॉच मुझे कहाँ से मिली ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर मैं किसी टाइम तुझे बताऊंगा। बस ये सोच ले ये वॉच मैंने चोरी नहीं की है, जैसे ही मैंने इस वॉच को छुआ ये खुद ब खुद ही मेरे जिस्म के साथ अटैच हो गई थी। बाकी मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मुझे लगता है ना मुझे हल्क में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और उसके बाद ही ना मैं उस रेड हल्क को रोक पाऊंगा। लेकिन गाइस हो सकता है हम लोग ने किसी नॉर्मल हल्क के सूट में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये जो रेड हल्क था ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं नॉर्मल हल्क बन के ना इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ओके मुझे लगता है ना मुझे अब अपग्रेड होना पड़ेगा, मुझे हल्क बनना पड़ेगा। आप लोग भी रेडी है ना मेरे साथ, 3 2 1 एंड गो। ओके गाइस मैं तो हल्क में कन्वर्ट हो चुका हूँ। गाइस उस बेन 10 की वॉच ने मुझे हल्क बना दिया है। चोप तुझे अब इस घर का ख्याल रखना होगा और मुझे जाना होगा, क्योंकि इस हल्क के सूट में तो मैं उस रेड हल्क का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है वो रेड हल्क मुझे ही मार डाले, तो मुझे इस सूट को अपग्रेड करना होगा और बाकी सूट में मैं अपग्रेड होकर ही आऊंगा। फिर देखना मैं कैसे सेन चैन और किंग चैन को बचा कर लाता हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा, जल्दी से भाग कर निकलते हैं। गाइस इस सूट को अपग्रेड करने के लिए ना मुझे लोगों की मदद करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पहले भी किया है आयरन मैन के सूट को अपग्रेड करके। फिलहाल तो मेरे को यहाँ से भाग कर जाना होगा। भाग भाग हल्क। ओके गाइस भाग कर तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ। एक मिनट, ये सामने की तरफ क्या देख रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है सामने की तरफ पुलिस वालों की गाड़ियाँ खड़ी है और बीच में ये वैन खड़ी है, ये तो गैंग वालों की वैन है ना। एक मिनट, मुझे कुछ अजीबो गरीब सी आवाजें सुनाई दे रही है, ऊपर से लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे जाकर ना सुनना पड़ेगा। ओके इस साइड से जाते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ, अरे ऊपर की तरफ तो ये गैंग खड़ी है और इन गैंग वालों ने पुलिस वालों को किडनैप करके रखा है। यहाँ पर तो उल्टा ही सीन हो रहा है, मैं समझ रहा था पुलिस वालों ने गैंग वालों को किडनैप कर रखा होगा। फिलहाल मुझे इन लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी कि चल क्या रहा है। देखा तुम जो कोई भी हो गैंग वालो हमारे छोड़ दो, लगता है तुम्हें पता नहीं है तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम इन पुलिस वालों को मारोगे जो हमारे साथ है या फिर मुझे मारोगे तो बचोगे नहीं। और ये क्या बेवकूफ है, लगता है इसे पता नहीं हमारी गैंग कितनी बड़ी है और हमने कितने लोगों को मारा है और कितने पुलिस वालों को भी और कितने सोल्जर को भी। तुम लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लगता है इन लोगों को मारना ही पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ इन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि ये लोग हमें पकड़ने आए थे बेवकूफ कहीं के। ये क्या इन लोगों को ये मारने वाले हैं, मुझे पुलिस वालों की जान बचानी होगी, मेरे पास पावर तो होगी इस सूट के अंदर। गाइस इतना तो हूँ कि इन लोगों का मुकाबला कर पाऊँ। अरे क्या ही जोरदार किक मारी मैंने इन्हें। अरे ये क्या हो गया, अरे पुलिस वाले भी मुझे मारने शुरू हो गए। अरे मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ बेवकूफो। गाइस ओके ओके क्या ही जोरदार किक इसे भी मारी और ये सामने की तरफ, क्या ही मजा आ रहा है। गाइस मैं मर रहा हूँ मर रहा हूँ। अरे बचकर नहीं जा पाओगे तुम लोग,
क्या ही मजेदार मारा गाइस। ओके ये सारे के सारे मारे जा चुके हैं। देखो हमें छोड़ दो, तुम हमें नहीं मार सकते। अरे मैं तुम लोगों की जान बचाने के लिए आया हूँ, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ही मेरे रास्ते में आ रहे थे, देखो इन सबको तो मार डाला है। अब लगता है तुम लोगों की जान बच चुकी है, तो खड़े हो जाओ तुम लोग। देखो तुम समझे नहीं, हम लोग खुद ही किडनैप हुए थे ताकि इन गैंग वालों को पकड़ पाए। हमारी बाकी पुलिस पीछे ही आ रही थी लेकिन उन्होंने देर कर दी। थैंक गॉड तुमने बचा लिया, वरना ये लोग हमें मार डालते। देखो तुमने हमारी जान बचाई है, ये लो $10,000, ये तुम्हारे जरूर काम आएंगे। अरे $10,000, अरे इससे क्या होगा गाय, लगता है ना मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है मुझे जाना पड़ेगा, तुम लोग अपना ख्याल रखो और इन गैंग वालों को ना घसीट कर लेकर जाना थाने में। गाइस मुझे यहाँ से जाना होगा, भाग रहा हूँ, भाग कर चलते है यहाँ से। ओके गाइस भागना होगा, भाग कर तो होके जब की और मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। लगता है गाइस मैं नेक्स्ट सूट में कन्वर्ट होने वाला हूँ हल्के, तो आप लोग रेडियो मेरे साथ 3, 2, 1 एंड गो। अरे ये क्या, मैं तो इस हल्क में कन्वर्ट हो चुका हूँ और ये हल्क कितना ही ज्यादा अमेजिंग है दिखने में, और मैं क्या स्पीड से भाग पा रहा हूँ। अरे मजा आ जाएगा, और ये लॉन्ग जंप और ये हल्क का स्मैश, मजा ही आ रहा है, भागना पड़ेगा। एक मिनट भाग कर तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ। ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ऐसा क्यों लग रहा है कोई चैलेंज वगैरह रखा गया है। इस तरफ ये क्या गाड़ियां खड़ी है और इनके पास ये गाइस ये रेसर, और मुझे जाना होगा लगता है इन गैंग वालों ने ये चैलेंज अनाउंस करवाया है। ओके मुझे अब इस चैलेंज को खेलना है। आई नो कि मुझे रूल जानने हैं इस चैलेंज के बारे में और जीतने पर क्या इनाम मिलने वाला है, क्योंकि ये चैलेंज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। देखो ये कोई आम चैलेंज नहीं है, जिनके साथ तुम्हारा मुकाबला होने वाला है वो इंटरनेशनल रेसर है, वो तो तुम्हें हरा ही देंगे। पहले सुन लो, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें पूरे $25 million चुकाने होंगे, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेंगे सिर्फ $1 million। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और देखते हैं तुम ये चैलेंज जीत पाती हो कि नहीं। चैलेंज को स्टार्ट किया जाए, मुझे भी मजा आएगा देख कर ये चैलेंज। ओके गाइस मुझे जाना होगा और जाकर देखना होगा। ये देखो सामने की तरफ ये जो गाड़ियां हैं, मुझे इस वाली गाड़ी में बैठना होगा। ओके ये सारे लोग तो बैठ चुके इस गाड़ी के अंदर, मुझे भगानी होगी गाड़ी। अरे कहां पर तुम लोग लेकर जा रहे हो, मैं तुम लोगों से पहले ही निकालूंगा। गाइस ये काफी स्पीड से निकले हैं, मुझे जाना होगा जाना होगा। ये क्या, वो पहले नंबर पर तो काफी आगे है, ये दूसरे को क्रॉस किया और ये जो पहले नंबर पर था इससे भी क्रॉस किया, मैं आ चुका हूँ पहले नंबर पर। ओके ओके वो काफी ज्यादा पीछे आ रहे हैं, मुझे तेज भगाना होगा गाड़ी को। क्या ही स्पीड से भगाया गाड़ी को, ओके मजा आ चुका है। गाइस यहाँ जाना होगा। ओके ये रहा फिनिश पॉइंट और मैं पहुंच चुका हूँ, फाइनली मैंने कर दिखाया पहले नंबर पर मैं आ चुका हूँ। अरे कितना ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे, फाइनली मैं ये चैलेंज तो जीत चुका हूँ और मुझे मिल चुके हैं पूरे $1 million। अरे ये रेसर एक यहाँ पर पहुंचा है, बाकी नहीं पहुंचे, तो मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे पास टाइम काफी ज्यादा कम है। शिनचैन किंगचैन को बचाना है किसी तरह मुझे, तो यहाँ से जाना होगा। अरे जंप किया, अरे क्या ही गंदा तरीके से गिरा मैं। ओके मुझे यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर हम लोग हो जाते हैं अपग्रेड, क्योंकि मुझे होना है अपग्रेड नेक्स्ट सूट के अंदर, ताकि जितना ज्यादा मैं पावरफुल होऊंगा ना उतना ही जल्दी मैं मार पाऊंगा रेड हल्क को। ओके गाइस रेडियो आप लोग, क्योंकि हम लोग अपग्रेड होने वाले हैं। 3, 2, 1 एंड गो। गाइस मैं तो अपग्रेड हो चुका हूँ इस सूट के अंदर, ये कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है। अरे मैं थोड़ा सा बूढ़ा नजर आ रहा हूँ लेकिन हूँ मैं काफी पावरफुल। क्या स्पीड से भाग रहा हूँ गाइस, मुझे भागना होगा। ओके भागकर तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ, ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ। अरे इस साइड पर ये एविलेटर है और इसके पास ये गैंग वाले, ये नहीं कि यहाँ पर भी कोई चैलेंज होने वाला है। यस इस चैलेंज को जीतने के बाद मैं नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो सकता हूँ, मुझे जाना होगा। ओके मुझे भी इस चैलेंज को खेलना है, मैं भी खेलना चाहता हूँ, मुझे जानने है रूल और जानना है चैलेंज के जीतने पर कितना प्राइज मिलने वाला है। देखो ये चैलेंज काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं कह रहा हूं स्टंट चैलेंज, ये हमने ही अनाउंस करवाया है। तुम अगर इस चैलेंज को जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेंगे पूरे $5 million, और अगर हार जाते हो तो मेरे हाथों से मरना होगा या चुकाने होंगे पूरे $50 million। याद रखना 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और एक ही चांस मिलेगा तुम्हें, एक ही चांस में कंप्लीट करना होगा ये चैलेंज। रेडी होना तुम इस चैलेंज को खेलने के लिए। अरे कैसी बात कर रहा था गाइस, लगता है इसे बता रही है कितने चैलेंज खेल चुका हूँ कि मैं रेडी हूँ, तो मुझे इस एविलेटर के अंदर जाना होगा और पहुंचना होगा सीधा उस चैलेंज पर। ओके गाइस मैं इस चैलेंज पर तो पहुंच चुका हूँ, ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ। अरे ये तो वही गैंग वाले हैं जो उस साइड पर खड़े थे, ये इतनी
जल्दी कहाँ पर पहुँच गए? छोड़ो जो भी हुआ, मुझे जल्दी से ना इस बाइक पर बैठना पड़ेगा। ओके येलो बाइक यहाँ से चूज कर ली मैंने और बाइक को भगाना होगा। क्या ही स्पीड से भगा कर लेकर जा रहा हूँ। ये क्या आगे की तरफ ये वीडियो गेम है, इससे भी गिराया और अपन लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे की तरफ। ये घोल के क्वाइन रखे गए हैं। एक मिनट यहाँ से क्या, अरे क्या स्पीड से जा रहा हूँ, मजा आ गया मुझे। अरे पहुंचने लगा। ओके पहुंच गया हम लोग, जाना पड़ेगा आगे की तरफ। ये क्या गाइस, ये तो स्लाइडर रखा गया है, मुझे लगता है ना इसके ऊपर जानी पड़ेगी बाइक। ओके यहाँ से भी गया और सीधा नीचे लैंड करवाया, बाइक का भगाना होगा। ये क्या आगे की तरफ मिसाइल है, मुझे इन मिसाइल से तेजी से भगाना होगा। फुटबॉल की तरफ पहुंच चुका हूँ मैं। अरे क्या ही स्पीड से इस चैलेंज को लेकर जा रहा हूँ, वैसे कोई भी इतनी स्पीड से पूरा नहीं कर पाएगा। ओके फुटबॉल को भी पार कर लिया मैंने, तेजी से ना मुझे जाना होगा। अरे ये देख बाल नीचे हुई, मैं इसके ऊपर से ही चला गया, मैं उस साइड से जाने वाला नहीं था। अरे गिरते गिरते बच्चे आगे वुडन ब्लॉक्स और गाइस यहाँ से भी पार कर चुका हूँ मैं। ओके गाइस किया, क्या ये मजेदार, मजा आ गया मुझे। ओके यहाँ से जा रहा हूँ गाइस, ये देखो काफी स्पीड से ओके पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मुड़ना होगा मुझे। ओके यहाँ से मुड़ा और रैम सामने की तरफ, रैम की ये रैम कर चुका हूँ मैं और सीधा इस ट्रैक पर पहुंचा। ये पतला सा रास्ता है, मुझे यहाँ से बाइक को लेकर जाना होगा। रुकना नहीं है, रुक के तो समझो हम लोग गिरे। अरे रुकना नहीं है। ओके जा रही है बाइक और मैंने पार कर लिया आगे की तरफ। ये क्या, पहले बाइक यहाँ पर करनी होगी फिर सामने की तरफ लेकर जानी होगी। ओके सामने की तरफ पहुंच चुका हूँ, फिर इस साइड पर लेकर जानी है, फिर सामने की तरफ। अरे यहाँ वहाँ ही हो रही है बाइक। ओके सिर्फ और सिर्फ ये दो तीन चार रह चुके हैं, अरे इन्हें पार करना होगा मुझे। ये लास्ट रह चुके हैं। ओके कर रहा हूँ और फाइनली पार कर दिया मैंने। गाइस अब यहाँ से जाना होगा सामने की तरफ, तो ये आग लगी हुई है, हो सकता है अपनी बाइक चल सकती है यहाँ से। ओके मैं जा रहा हूँ, यहाँ से अपनी बाइक को बचाया। क्या स्पीड से जा रही है बाइक और मेरे को जाना होगा। ये सामने की तरफ ट्रैक है, हम लोग इस पर पहुंच चुके हैं यहाँ से। ये क्या सामने की तरफ गोल गोल, अरे ये तो गुलाटी घूम रही है। ओके बाइक सीधी की मेरे की, यहाँ से जाना होगा। पहले वाले को पार किया और ये दूसरे वाले को। ओके यहाँ से जा रहा हूँ, ये तीसरे वाला लास्ट था, इसे भी पार कर लिया मैंने। ओके गाइस यहाँ से जा रही है बाइक और आप लोगों को मजा ही आ गया। ये सामने की तरफ पतला रास्ता है, इसे भी पार करना होगा। पार कर रहा हूँ। ओके गाइस हम लोगों ने पार कर लिया। ये सामने की तरफ अब बर्गर आ चुके हैं, इन बर्गर के ऊपर जाना होगा। बाइक भगाई बर्गर पार और दो रह चुके। ओके इसे भी पार कर लिया मेरे। यहाँ से ना इस टनल के अंदर घुसना होगा। ओके सामने की तरफ है ये स्प्रंग की बोतल, अरे इसे भी पार करना होगा। ओके क्या ही मजेदार, पार कर लिया मैंने। गाइस यहाँ पर पहुंच गए रेलवे ट्रैक, इसे भी पार कर लिया मैंने। यहाँ से घुमानी होगी बाइक और ये क्या आगे की तरफ ये वुडन ब्लॉक जो कि हवा के अंदर घूम रहा है, मुझे इसे भी पार करना होगा। ओके चलते हैं। फाइनली पार कर लिया मैंने, बहुत अच्छे गाइस। आप देख सकते हो सामने की तरफ जाना होगा और ये जो स्लाइड है गोल गोल आगे पीछे हो रही है इन्हें भी। ओके ये पहले वाली दो पीछे हुई, सामने की तरफ तेजी से जाने रुक जाता हूँ क्योंकि रैंप करनी पड़ेगी सामने की तरफ। ओके बाइक बगाई ये मैंने की रैंप और बाइक हवा के अंदर है और पहुंच चुका हूँ मैं फिनिश पॉइंट के अंदर। फाइनली कंप्लीट कर लिया। ये क्या अपने अकाउंट के अंदर पूरे $5 million भी आ चुके हैं, तो आप लोग रेडियो ना अपग्रेड हो जाती है। 1 2 3 एंड गो। फाइनली अपग्रेड हो चुका हूँ मैं, अब मेरे को जाना होगा क्योंकि गाइस अब मेरे को और भी अपग्रेड होना है ताकि ना रेड हल्क का तो मैं ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। यहाँ से भाग कर जाती है, क्या स्पीड से भाग रहा हूँ। अरे इतना ज्यादा तेज भाग पाऊंगा मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एक मिनट भाग कर तो मैं इस साइड पर पहुंच चुका हूँ। ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ये सोल्जर क्यों खड़े है इनके पास, ये मिलिट्री कर्नल भी खड़ा है, मुझे लगता है काफी परेशान नजर आ रहा है, मुझे पूछना होगा। अरे क्या आ गया मिलिट्री कर्नल, काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो, और ये सोल्जर क्यों खड़े है, मुझे लगता है कोई पक्की गड़बड़ हुई है। देखा गड़बड़ तो हुई है, शायद तुम्हें पता नहीं है मेरी सबसे महंगी गोल्ड की लिमोजिन चोरी हो चुकी है। पूरे लॉस सैंटोस के शहर के अंदर मैंने ढूंढने की काफी कोशिश की और सोल्जर भी जाकर ढूंढ चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिली वो गोल्ड की लिमोजिन। देखो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, अगर तुम मेरी गोल्ड की लिमोजिन ले आते हो तो मैं पूरे तुम्हें $10 million दूंगा। देखो तुम्हें ये करना ही होगा, हल्क वैसे भी तुम्हारे पास पावर है और तुम ढूंढ सकते हो। ओके ठीक है, मैं तो लोगों की गोल्ड की लिमोजिन ढूंढ के लाऊंगा, फिकर ना करो, बस यहाँ पर रुको, 1 घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों की गोल्ड की लिमोजिन मिल जाएगी।
कि मुझे जाना होगा जहाँ पर हर दफा ना गोल्ड की लिमोजिन की गाड़ियाँ बिकती हैं, वहीं पर ही कहीं पर बिकने तो नहीं वाली। मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा, क्या ही स्पीड से भाग रहा हूँ। ओके यहाँ से चलते हैं, यही वो लोकेशन है, मुझे देखना पड़ेगा। यहीं पर ही गाड़ी होनी चाहिए मिलिट्री कर्नल की, कोई ना कोई चोरी करके पक्का लाया होगा। ओके गाइस मैं पहुंच तो चुका हूँ, ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, यहाँ पर तो ढेर सारे गुंडे हैं और गाड़ियाँ भी खड़ी है। अरे वो सामने की तरफ गोल्ड की लिमोजिन है, बिल्कुल सही सोच रहा था मैं। अरे फाइनली तुम लोग बचोगे रे, ये बस से जरूर पीटोगे। अरे एक एक को मार रहा हूँ, क्या ही जोर जोर से मारा। अरे इसकी गैंग के बॉस की ऐसी की तैसी, ये लो खाओ खतरनाक स्मैश। अरे गाइस स्मैश लगते ही रहा, ये देखो ब्लास्ट होगी, सारी की सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट कर डाली मेरे। अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने खतरनाक तरीके से मैं ब्लास्ट करूंगा। ओके गाइस यहाँ पर तो मजा ही आ चुका है, सारे मारे गए। अब मेरे को ना जल्दी से जाकर ना उसकी गोल्ड की लिमोजिन के अंदर बैठना है। ओके ये रही, अपन लोग बैठ चुके हैं गोल्ड लिमोजिन के अंदर। अरे ये जो टूटी फूटी थी ऑटोमेटिकली रिपेयर हो चुकी है। मुझे यहाँ से भगाना होगा इस गाड़ी को, गाइस जल्दी से लेकर निकलते हैं, क्या स्पीड से जा रहा हूँ मैं। ओके यहाँ से भगाते हैं और मिलिट्री कर्नल तो खुश हो जाएगा इसे देखकर, क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर, मैंने तो उसे एक घंटे का टाइम दिया था, कुछ ही मिनटों के अंदर लेकर आ गया मैं गोल्ड की लिमोजिन। ये होती है हल्की पावर। अब मेरे को लगता है अब मैं जो अपग्रेड होंगे ना तो रेड हल्क मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ओके गाइस गाड़ी तो भगा रहा हूँ, किस साइड पर था मिलिट्री कर्नल, अरे इसी साइड पर था, मुझे मुड़ना होगा। ओके गाइस गाड़ी घुमाई घुमाई और यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके कर्नल साहब ये रही आपकी गोल्ड की लिमोजिन, इसी के बारे में बात कर रहे थे ना। थैंक यू सो मच, तुम मेरी गोल्ड की लिमोजिन लेकर तो आ चुके हो और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पूरे $10 million दूंगा, ये लो $10 million। अरे इसकी क्या जरूरत थी गाइस, मुझे लगता है ना मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि आप मुझे नेक्स्ट सूट में अपग्रेड होने हल्के। ओके गाइस भागते हैं, यहाँ पर कर्नल की गाड़ी तो उसे मिल चुकी है और भाग कर मुझे इस जगह पर जाना होगा। अब देखता हूँ कि मैं कौन से सूट में अपग्रेड हो पाता हूँ। ओके इस जगह पर पहुंच चुके हैं, तो आप लोग भी रेडी हो मेरे साथ क्योंकि मैं नेक्स्ट सूट में अपग्रेड होने वाला हूँ। 3, 2, 1 and go। ओके गाइस मैं तो हल्के सूट में अपग्रेड हो चुका हूँ, ये कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है, देख सकते हो क्या ये पावरफुल सूट है ये। गाइस मेरे को यहाँ से भागना होगा, क्या स्पीड से भाग पा रहा हूँ मैं, भाग रहा हूँ। एक मिनट रुकना होगा, ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, अरे ये तो रेड हल्क है ना, रेड हल्क जिसके बारे में मैं सोच रहा था। अरे तू खुद बहुत ही मेरे सामने आ गया, अब तू बचेगा नहीं। शिनचैन किंगचैन और चोप को तूने कहाँ पर किया है, देख आराम से बता दे वरना बहुत पीटेगा तू मेरे हाथों से। अरे ये क्या रिवेंज हल्क, तू मेरे रास्ते में मत था, देख ये मेरा और उन बच्चों का मामला है और उस फ्रैंकलिन का, तुझे पता नहीं है मैं कितना ही ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुझे भी पीट सकता हूँ, ये ना सोच के मैं तुझसे डर रहा हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है फिर आप मुझे पीट के बता। ओके गाइस ये तो मेरे को मारने शुरू हो गया, अरे क्या ही उठा उठा के फेंक रहा है, वाकई में इसमें पावर तो है। मुझे यहाँ से जाना होगा, अरे ये क्या कर रहा है, गाइस यहाँ से चलते हैं। ओके क्या स्पीड से भाग कर जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ओके गाइस ये पकड़ा और ये उठाया और ये खतरनाक तरीके से मैंने फेंका इसे, ये क्या कर रहा है तू, ये ले खा जोरदार स्मैश। अरे इसे गाइस पंचेस की बरसात तो इस पर करनी पड़ेगी, ऐसे ये काबू नहीं आएगा, ये ले खा घूसे लाते का। ओके ये तो मर चुका है, फाइनली मार डाला मैंने इसे, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना ये। अरे मारा गया, क्या हुआ तेरा, ये खतरनाक स्मैश, फाइनली मार डाला गाइस। लेकिन एक मिनट, इससे तो मुझे पूछना था शिनचैन किंगचैन और चोप कहाँ पर हैं। ओके ये कौन है पीछे, मैंने अभी देखा। अरे थैंक यू सो मच, अरे हल्का आपने हमें बचा लिया, लगता है ना आप हमारे लिए मसीहा बन कर आए हो, अगर आप ना होते तो हम लोग तो पक्का मरते इस रेड हल्के हाथों से। अरे फ्रैंकलिन भैया हमें बचाने के लिए नहीं आए, मुझे पता था वो जरूर डरते हैं और वो तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये तो सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। अरे गाइस मैं इन्हें क्या बताऊं कि मैं ही फ्रैंकलिन हूं, लेकिन ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और अगर इन्हें बता भी दिया तो ये पूछेंगे कि मैं बना कैसे हल्क। तो लगता है गाइस ये राज है तो राज ही रहने दो, क्योंकि अगर इन्हें पता चला ना उनकी बैन 10 की वॉच मैंने चोरी की है तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ओके ठीक है तुम लोग अब घर जाओ, तुम लोग सेव हो, रेड हल्के तो मैंने अच्छे से धुलाई कर दी है, अब ये तुम लोगों को कभी नहीं पकड़ेगा, लगता है अब मुझे भी जाना पड़ेगा, तुम लोग भी जाओ। गाइस आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा, क्या स्पीड से जा रहा हूँ, तो अपना बहुत जरा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।